साइक कैसे हैं आप सब लोग तो इस वक्त हम लोग घूम रहे हैं थर पार्कर सिंध में पहले देखा था आते हुए का रास्ता अभी हम देखेंगे वापसी का रास्ता तो बहुत सारे मुझे आ रहे थे कमेंट के ये क्या पाकिस्तान है तो आज मैंने लिख के लगा दिया है कि थर पारकर नगर पार्कर सिंध पाकिस्तान यहाँ पे आपको पहाड़ी पहाड़ मिलेंगे रस्ते में मिल गया था मुझे ये बच्चा ऐसे बहुत से बच्चे मिलेंगे आपको थर कर में नगर पार्कर में मिट्टी में जहाँ से भी आप गुजरते जाओगे में तो पहले इससे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं इनसे बातें करें तो ये बहुत खुश होते हैं मैंने इनसे क्या बातें की थी वो मैं आपको सुनाती हूँ नगर से आया तो मैं इससे पूछ रही थी कि हमारे साथ चलोगे तो कहता हाँ मैं आप लोग के साथ चलूंगा ना तो ये पैदल सफर करके आया था तीन घंटे का इन लोग को आदत होती है ये जब भी कोई गाड़ी वगैरह देखते हैं तो पैदल ही पीछे भागते हैं और आ जाते हैं तो ये तीन घंटे का सफ़र करके आया था अभी हमारे साथ ही चल रहा था पीछे तेज़ हवा मोरू की आवाज़ें और ठंडा पानी बोतल और जो ठंडा पानी बोतल वाले हैं ना वो जिधर मर्ज़ी आप चले जाओ आपके साथ साथ होंगे पहाड़ों पे इधर उधर हर जगह पे आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी अगर आप बरसात में आते हो तो बरसात में ये होता है कि वो पहाड़ों के ऊपर चाय भी ले चढ़ते हैं ना तो काफ़ी सारी मतलब हम तो यहाँ पे हैं जैसे चौदह अगस्त में आते हैं और चौदह अगस्त में तो बहुत ज़्यादा रश होता है हद से ज़्यादा वो तो तब आपको लगेगा ही नहीं कि ये सहरा है ये तब तो यहाँ पे ऐसी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लोग ही लोग जगह ही कम होती है और यहाँ पे आ गया था हमें मोर नज़र सबको आ रहा था मोर नज़र पर मुझे मोर नहीं नज़र आ रहा था श्दीत डूबती सूरज आँखों में पड़ रहा था और वो भी पता ही नहीं चल रहा था कहाँ है जूम कर कर के कर कर के अच्छे से तो आपको नहीं नज़र आएगा मगर फिर भी हमने काफ़ी देर रुक के इसे ढूंढ ढूंढ के क्योंकि काफ़ी दूर था पहाड़ों के ऊपर था ना तो फिर रास्ते में ऐसे जैसे हमें चीज़ें नजर आती जाती थी तो हम रुक के देखते जाते थे अब हम पहुंच गए थे उसी स्टॉप में बच्चे हमारे जो थे ना वो पहले से जाके बैठ गए थे जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जड़ी बूटियाँ या वो यहाँ के मोर यहाँ की चीज़ों को छेड़ने कानूनी जुर्म है तो अब हमें पानी था पानी मैं आपको बताती इस सहरा में हमें पानी कितना कितना मिला था ये एक एक गूंट हमने पानी का पिया था जो थी ना आबे जमजम क्योंकि इतनी ऊँची दूर दूर पहाड़ों पे जाना होता है वज़न तो हम उठा नहीं सकते फिर ये छोटा सा कूलर हमने रखा था गाड़ी में था पानी मगर गाड़ी तो कहाँ की कहाँ रह जाती है तो इतना इतना हमने यहाँ पे रुक के पानी पिया था और अब हमने वो आगे ऐसी पगडंडियों पे जाना था और काफ़ी थका देने वाला सफ़र था पर बहुत मज़े का ये सफ़र था ना मेरा ख्याल है ज़िंदगी में दूसरी बार हम इतना चले थे एक बार हम एयरपोर्ट से ग्रीन टाउन तक पैदल आए थे और दूसरी बार ये मगर वो वाला मज़ा नहीं था जो इसमें था ना यहाँ पे थरपार करके सड़कों पे चलने का तो यहाँ पे ये गाड़ी वाला आ गया था जाते हुए भी आप लोगों ने देखा था कि हमने मैंने बताया था कि ये गाड़ी वाले थे ये लिफ्ट दे रहे थे हम नहीं बैठे थे तो अब फिर ये कह रहे थे क्योंकि उन्हें पता था यहाँ पर आना आसान है जाना बहुत मुश्किल है तो इन्होंने गाड़ी रोकी थी जब हमसे बोल रहे थे कि कोई साथ हमारे बैठ जाओ ना तो फिर अम्मी अबू को कहते हैं कि आप लोग बड़े हैं बुज़ुर्ग हैं तो उन्हें बिठा दो तो फिर वो भी नहीं मान रहे थे ज़बरदस्ती हम लोगों ने बोला कि छोटी गाड़ी है फिर वो खुद उतर के आए कहते कुछ नहीं होता ना छोटी गाड़ी है ये चली जाएगी क्योंकि ये मैंने आते हुए बत... अभी इन्होंने रोकी थी बोला नहीं था मगर रोकी थी कि बैठ जे हम नहीं बैठे तो अब हमने इनको अम्मी अबू को बिठा तो दिया था मगर फिर पीछे हम दरूशी पर पढ़ के फूके मारते रहे कि अल्लाह करे खैरियत से ये गाड़ी ऊपर चढ़ जाए क्योंकि ये ना जीप वाला रास्ता होता है यहाँ पे ये छोटी गाड़ी तकरीबन आ सकती है मगर ये जितने भी लोग आपको सड़क पर नज़र आ रहे हैं इनकी गाड़ियाँ सबकी पीछे खड़ी हैं ये सब लोग अपनी गाड़ियाँ छोड़ के तो फिर यहाँ पे आए और ये यहाँ पे गाड़ी भी जीरो साइज़ की लग रही थी और हमारे बच्चे भी जीरो साइज़ के लग रहे थे क्योंकि वो वहाँ के बहुत बहुत आगे चले जाते थे और उन्होंने इतना इन्जॉय किया मैं कहती कहते इतनी एनर्जी आ गई थी ना बच्चों में के पास अब ये हमारे आगे वाले थक के बैठ गए थे यहाँ पे और लोग जो थे ना ये पहाड़ों पर चढ़े हुए थे और बिल्कुल पीछे वाले थे ऐसे लगता गिरने वाले हैं ना तो ये जो था ना सड़क इतनी टेढ़ी मेरी और जिग जैग टाइप है ना यहाँ पे आप जिग जैग तरह ही चल सकते हो अगर आप बोलो कि आप इस सड़क पे सीधे चल सकते हो तो नहीं यहाँ पे आप घूमो थोड़ा उधर ज़िग जैग जिग जैग तो फिर ही आप इस पे चल सकते हो क्योंकि बहुत मुश्किल है ये ऊपर जैसे हम समझे कि पहाड़ के ऊपर ही चढ़ रहे हैं ना तो उत्तर तो हम गए थे अब चढ़ना जितना मुश्किल था ना कि बस यहाँ पे जितने भी थे वो ये वाले लोग थे जो पहाड़ी मतलब कि यहाँ पे ये घास लेके भी चल रहे थे पता नहीं ये, ये यूज टू थे या क्या था मगर मैं तो यहाँ पे थक के बैठ गई थी ये बेचारे बुज़ुर्ग ये भी कब से हमारे पीछे पीछे आ रहे थे कभी कोई इनका बच्चा पकड़ता था कभी कोई तो अब थोड़ी देर जब मैं सांस लेके यहाँ पे पहुंची तो मेरे साथ वाले यहाँ पे बैठे पानी पी रहे थे तो फिर मैं भी यहाँ पे बैठी फिर हमने इससे पानी लिया था ना पानी मिल तो जाता है मगर थोड़ा सा होता ना पता नहीं वो सील पैक हो या ना हो मगर फिर ये एक बोतल बीच में से ढूंढ के ना आप लोग ले सकते हो तो यहाँ पे जो सामने वाले हमारे थे वो तो अपनी गाड़ी ऊपर ले आए थे मगर हमारी वैन वाला ऐसा था ना कि वो वहाँ से एक कहता नहीं मेरी गाड़ी ख़राब हो जाएगी नहीं आया था तो अब हम यहाँ पे पहुँच गए थे वो जो है ना सामने जो हमने मैंने आपको उस दिन दिखाया था कि हम सीढ़ियाँ चढ़े थे तो वहाँ से इस साइड पे जो मंदिर वाला रास्ता है दूसरा सीढ़ियों वाला तो वहाँ पे अभी भी लोग हुटिंग कर रहे थे चढ़ के चीखे मार रहे थे और ये बच्चा उस टाइम से बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा था और ये टूप इस टाइम इतनी श्दीद थी सख्त गर्मी का मौसम था सख्त समझे के इतनी हबस और इतनी गर्मी थी कि यहाँ पर सांस लेना भी मुहाल था और कुछ इतना ज़्यादा चल चल के चल चल के कि बस हाल हुए पड़े थे मगर लोग फिर भी आ रहे थे वो नहीं देख रहे थे यहाँ पे टाइम क्या है क्या नहीं है सब कोई आ रहा था कोई जा रहा था क्योंकि काफ़ी दूर दूर से आते हैं तो फिर वो उन्हें ये नहीं होता कि सर्दी है गर्मी है धूप है तो हम फिर इन खूबसूरत से पहाड़ों से निकलते हुए थर पार के नगर पार कर ये जो अभी हम नगर पार कर में थे फिर इस नगर पार करके पहाड़ों से निकल के हम लोग नगर पार करके कर शहर में आ गए तो ये छोटा सा इनका शहर था ज़रूरत की तकरीबन तकरीबन मेरा ख्याल है हर चीज़ इन लोग को यहाँ से मिल जाती थी जो औरतें थी इनकी उनसे मैंने पूछा था वो जिस घर में हम गए थे ना एक ही घर में गए थे तो मैंने पूछा था अगर आप लोगों ने कभी बाजार वगैरह जाना हो तो कहते हम लोग नहीं जाते ना कभी हमारे मर्द वगैरह होते हैं वो चले जाते हम लोग कभी गए नहीं सादा सी इनकी ज़िंदगी है पुरसकून सी और गाना पूछा था उन्होंने मेरा खैर सभी लाइफ स्टाइल थी उन्होंने बोला था कि गाना यहाँ पे बहुत तो है वाकई गाना यहाँ पर बहुत है मैंने भी नोट किया था ये लोग बहुत गाना बजाना होता है ना और धर्मशाला का बता के गई थी शमीम पोइट्री कि वो जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए और यात्री जैसे हम देखने वाले आए थे ना तो हम यात्री थे तो अब आगे की वीडियो में क्या होगा हम देखेंगे कल अल्लाह हाफिज़